थाने बोल रहे हैं, पदाधिकारी है जिन्हें और जनप्रतिनिधि भी है। सर जी अपने समाज के लिए कर रहे थे काम, मैं भी समाज के लिए कर रहा था, लेकिन मैं को दायरा थोड़ा राष्ट्रीय स्तर को, मैं राष्ट्रीय आदिवासी समाज के लिए कर रहा था। आप सब आदिवासी से अपन पतो से, लेकिन संविधान में थोड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड थी आदिवासी से, अपन सिर्फ एस टी बनाया गया सर। सुन जो जोर से संविधान जब तो आप पूरा भारत में 1083 आदिवासी समुदाय समाज और कबीला का रूप में रहे था, 1043, लेकिन संविधान में 583 आदिवासियाँ नहीं एस टी घोषित करे सर, मतलब 583 नहीं आरक्षण का हक अधिकार मिला से, बाकी आप लोग आधा से ज़्यादा समाज बंडा ही हटी है ना। और अब आप आदिवासियत पे आपकी पहचान पे बहुत बड़ो खतरो आ रहे थे, क्योंकि अगर आपने आदिवासियत छीन ली जा रही आप तो आपका जमीन जायदाद का पढ़ाई लिखाई का नौकरिया का राजनीति में जो भी सीटा हो जाए ना वो सब खत्म हो जाओगी। हिंदू राष्ट्र जब बन जाओ लो तो आप भी हिंदू बन जाओ ला, आदिवासी का नाम पर आपके पास न जंगल रेवला न खेत रेवला न जानवर रेवला और न शिक्षा का अधिकार रेवला, फिर मतलब आपका हक अधिकार सारा छीना जाओला। तो जब ब्रिटिश सरकार थी वह आदिवासियों की जनगणना करे थी, हर 10 साल में जनगणना हो से 1871 से लेकर 1941 तक आपकी जनगणना हुई है, वहाँ आदिवासियों ने वाकी वास्तविक पहचान के साथ भाई वह जल जंगल जमीन के साथ रहे थे, जानवर के साथ रहे थे, वही वह जीवन को आधार से प्रकृति में मिले से प्रकृति में मारे थे, प्रकृति से वो यानी वो देवी देवता का रूप में मानता है, खुद का बरदान पितरा का रूप में होता का रूप में मानते हैं। तो यह जो परंपरा है पूरा संसार का आदिवासी में है और वो मानता है ऐसे हमेशा, तो ये परंपरा के अनुसार ही ब्रिटिश सरकार अपन अपनी पहचान दी थी, कभी अबोर्ड ज्वाइन की थी 1871 में, फिर 81 में अबोर्जनल कही, फिर एनिमिस्ट कही, फिर ट्राइबल रिलीजन नाम दी, फिर आपने 1941 में ट्राइब्स नाम से संबोधित करके आपने जनगणना कोलम खोल दिए सर। तो मैं पूरा देश में आदिवासी की जनगणना हुई थी, 47 में देश आज़ाद हो, 50 में संविधान लागू हो, लेकिन संविधान में आपने एस टी को दर्जा दिए हुए, एस टी का नाम से कॉलम बने हुए जनगणना हुई, लेकिन सिर्फ 583 आदिवासी थे, बाकी 1043 जो आदिवासी परिवार से समाज से कबीला से वह इससे काफ़ी वंचित हो चुके हैं। और अब जो सरकार जो नीतियाँ लाई है हिंदू राष्ट्र बढ़ावा के लिए वो आदिवासियों का खत्म करवा के लिए है, क्योंकि अब तक आप स्कूल में कॉलेज में नौकरी में राजनीति में एस टी तो टिक लिख रहा था, लेकिन टिक धर्म का शो कर रहा था हिंदू, आप हिंदू से अभी हिंदू आवा का बेस पर अपन कोई हक अधिकार मिले रो से, आप लोगों जो खेत के आर्ट से पढ़ाई लिखाई में चाहे या खाने जो राजनीति में सीट मिली है वह हिंदू आवा के कारण मिली है, काहे के कारण मिली है आदिवासी हुआ का। तो आप ना आदिवासी ट्राइबल कोलम कोड 2021 की जनगणना में लेना चाहे, यो कई साल से प्रोग्राम पूरा भारतवर्ष का आदिवासी चला रहा है और अब आपके क्षेत्र में बहुत जन जागरूकता कर चुका, आप लोग क्षेत्र अच्छू तो छो, लेकिन पिछले साल से आपका क्षेत्र में भी ये पूरी टीम का माध्यम से एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम कर चुका है मैं, लेकिन अब मैं चाहना चाहिए कि वो प्रोग्राम अशो हो बहुत बड़ा स्तर पर, पूरा देश भर का आदिवासी समाज आना समुदाय ना कबीलाना आप बुलावा और मीणा समाज की अगुवाई करे खुद वह को स्वागत करे और आप अपनी संस्कृति के साथ पूरी आदिवासियत ने और ट्राइबल ने अपनी पहचान ने बचा पकड़िए, आप लोग पूरा दमखम लगाओ, आप मुख्यमंत्री ने राज्यपाल ने ज्ञापन देवा, फिर 15 मार्च में दिल्ली में होलो प्रोग्राम एंड 13 मार्च को डिसाइड कर लिया मैंने, 13 मार्च में होलो सूरज कोर में ही होलो एक गार्डन और बगीचे में बुक कर लिया काली, और 15 मार्च ने दिल्ली में होलो तो दिल्ली में राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री ने जनगणना विभाग ने गृह मंत्रालय ने और रजिस्ट्रार विभाग में ज्ञापन देवाला कि पूरा देश का आदिवासी ने वहाँ की पहचान के साथ तो वो जनगणना कोलम जिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन या 6 धर्म ने कोलम कोड मिलेड़ो से, लेकिन सात वो जो कॉलम छे वो आदिवासी और वो आदिवासी या ट्राइबल का नाम से ही मिलना चाहिए, क्योंकि आप सब अपना अपना आदिवासी खेवा चाह और जो पूर्वोत्तर भारत का राज्य से असम मेघालय मिजोरम नागालैंड मणिपुर त्रिपुरा ये ट्राइबल शब्द में पसंद करे छे, तो मैं ये दोनों शब्द ने जोड़ के चाह रहे थे और ट्राइबल पहले भी ब्रिटिश सरकार ट्राइब्स नाम दीजिए तो वही नाम ने वापस से रिस्टोर कर दिया जाए और आदिवासी जहाँ संविधान जब बन रहे जयपाल सिंह मुंडा आपका पूरा देश भर का आदिवासी के लिए आदिवासी शब्द रखवा की कोशिश करा चाहिए, बाकी जो आइडेंटिटी है बाकी मूल पहचान से वो आदिवासी यानी आदिवासी धरती पर वाला पहला नागरिक पहला लोग इस देश का मूल वासी मूल मालिक जो इस
धरती में बसाया छे, इन्हें रेबा लायक बनाया छे, इनका जल जंगल जमीन ने उपजाऊ बनाया छे, वह की खून पसीना की मेहनत छे, क्योंकि आपला बड़का कन जो जमीन जायदाद छे वो आदिवासी होवा के कारण ही छे, आपा पुछते नहीं इसका दर्जा। इसलिए अनुसूची 5 और 6 आपाने जो आदिवासियों ने मिलेड़ी छे वह इसलिए ही मिलेड़ी छे क्योंकि आपा अंड का मालिक छे, आपला बड़का अंड का मालिक छे, राज करे छे। और मीणा को शासन तो थान पता छे राजस्थान में कई सिंधु घाटी सभ्यता से लेवला तो पूरा वर्ल्ड में कई जगह राज करेड़ा छे। और राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला जम्मू सब जगह मीणा को राज है। और खो नागौर या खो गंग में जाकर देखो चांदा राजवंश को 2000 साल पुराना इतिहास था, आज भी देखवाना मिले छे। तो मैं चाहूँगी आप ये ऐतिहासिक चीज़ें ना भी आप संरक्षित करा, जाना मतलब सरकारी धरोहर में शामिल करवा और वहाँ को भी रख रखाव करा। और आप आदिवासी जो पहचान है कोलम कोड के माध्यम से जनगणना को कोलम लेकर उम्मत दर्ज करवाओ ताकि पूरा देश का आदिवासियों ने एक पहचान मिले और जो अस्तित्व का जो संकट आ रहा है वो संकट भी टल जावे। और आपा अपनी और आपका बड़का का जो बलिदान है वहाँ को जो योगदान है वहाँ की और आप अपनी पहचान के साथ आबाड़ी पीढ़िया ने वह पहचान हमेशा के लिए स्थापित करके देखे जाओ। यही खेबो चुमारो थाना कोई सवाल हो, कोई संशय हो, कोई संदेह हो तो वो पूछ सको भाई मैं कई चीज़ समझ में बोलूँ। ये बहुत जरूरी है और इस पर काम करवो बहुत जरूरी बात है। मैं तो आज अटेंड कर रखा है, मेरे पहले भी तो अपना प्रोग्राम था, सेमिनार में थे आप, मैं हरिनाड़ जी थे ही बड़ा।